Yo creo que es basically जिसमें ट्रैफिक आपका जो इनबाउंड और आउटबाउंड जो ट्रैफिक होता है आपका जो इंटरफेस पे जो ट्रैफिक आपका आ रहा होता है या ट्रैफिक जो भी गुजर रहा होता है उसकी जो पैकेट की जो डीप इंस्पेक्शन के लिए जिस टूल को हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम पैकेट को कैप्चर करने के लिए जो टूल यूज़ करते हैं बेसिकली वो वॉइस शॉक है। और वॉइस शॉक जिस जो भी इस पे ग्रिप कर लेता है या इसको समझ लेता है या इस पे काम कर लेता है, तो वो चाहे वो सिस्टम साइड पे हो, चाहे वो नेटवर्क साइड पे हो, चाहे वो सिक्योरिटी साइड पे हो, सबके लिए ही ये फायदेमंद टूल है और बेहतरीन टूल है, जिसमें आप इजीली जो है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इशू को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये पैकेज में फॉरवर्ड एनालाइजर ट्रैफिक ऑन योर नेटवर्क नेटवर्क में यूज़ आप कर सकते हो, और नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर भी आप यूज़ कर सकते हो, इंस्पेक्शन ऑफ 100 प्रोटोकॉल्स लाइव के। अच्छा, इसमें सबसे चीज़ ये होती है कि लाइव इसको आप लाइव पैकेट को कैप्चर करके ऑफलाइन एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि आप उसको पहले कैप्चर करके उसको और उसके बाद फिर आप उसकी ऑफलाइन एनालिसिस कर सकते हैं कि इसके अंदर जो डीप इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं, कितने पैकेट इसमें लॉस हो रहे हैं, कितने पैकेट जो है किस तरह के आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आप इसको कर सकते हैं इसके अंदर। और ये मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्टेड है, ये विंडोज़ पे भी चलता है, ये लिनक्स पे भी है, मैक ओएस पे भी है, सोलारिस पे भी है, ये सोलारिस पे भी है और फ्री बीएसडी भी ये चलता है, और बाकी तमाम जो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं सब पे सपोर्टेड करता है। ये बेसिकली ओपन सोर्स है, कैप्चर नेटवर्क डेटा के ब्राउज वाई जी। अच्छा, इसमें जीयूआई भी आप यूज़ करते हैं, ये बेसिकली वो टूल है जिसको आप जीयूआई बेस पे भी मतलब कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और कमांड लाइन पे भी, दोनों ही आपके पास ये फैसिलिटी देता है, ये आपके पास होती है। इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम किस तरह से इसको काली लिनक्स के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो इसको टूल को इंस्टॉल करना है आपने। इंस्टॉल करने के लिए आपने जो जो एक कमांड है आपकी apt dash get install wireshark, उसको आप इंस्टॉल, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो इसको जस्ट मैं आपको बताने के लिए कमांड बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपकी पूरी इंस्टॉलेशन जो है यहाँ से कंप्लीट, इसी कमांड से पूरी इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट कर देगा, क्योंकि ये पहले से ही डाउनलोड हुआ होता है, इसके अंदर इंस्टॉल होता है। उसके बाद अच्छा, इसमें जब आप जब वायरशार्क को टूल को इंस्टॉल करने जाएंगे तो आपको इंस्टॉलेशन जो है इसकी रूट से होगी, यानी कि रूट अगर आप किसी यूज़र से लॉगिन हुए हुए हैं तो आपको सुडो कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने किसी रूट से अगर आप इंस्टॉल मतलब हैं रूट में हैं आप रूट डायरेक्टरी में हैं, तो फिर आपको जो है इसको सिंपली जो आपकी जो कमांड है apt dash get install wireshark, आप ये कमांड यूज़ करेंगे। अगर आपने आप यूज़र मोड में तो आपने सुडो की कमांड को यूज़ करते हुए आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप इसको जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो सिंपली आप इसको अपने अपने यूज़र मोड पे भी इसको आप यूज़र मोड से ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के लिए सिंपली आपने वही कमांड लाइन में आपने वाई शार्ट लिखना, जैसे आप वाई शार्ट लिखेंगे तो आपके पास वो टूल ओपन हो जाएगा। और टूल जैसे ही ओपन होती है, जैसे टूल आपका ओपन हो गया तो आपने इथरनेट जो आपका पास इथरनेट है, इसमें अंदर वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी ये लूपबैक है, ब्लूटूथ है, इतने तमाम वो इंटरफेसेज है जो इंटरफेसेज जिससे आपकी मॉनिटरिंग आप कर सके तमाम है। लेकिन आप अगर इन इथरनेट पर अगर आप एग्जाम्पली आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर इथरनेट पे ही यूज़ करना चाहें, इथरनेट को देखना चाहें, तो आप इसको देख सकते हैं। अब इस ट्रैफिक पे ये इस वक्त लाइव है,
जितने आपके पास जो ट्रैफिक है वो इस वक्त जो है कितना ट्रैफिक इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, किस पोर्ट से आ रहा है, वो तमाम चीज़ें सोर्स, टाइम सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल, लेंथ इनफो, वो तमाम कंप्लीट आपको डिटेल दे रहा है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे दे रहा है। अगर ये तो लाइव चल रहा है, अगर आप इसको पैकेट एनालाइजिंग करना चाहते हैं, ऑफलाइन कर देखना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, तो आप इसको बंद करके एक एक करके अब आप जिस भी सोर्स को, जिस भी जो भी डिटेल आपको रिक्वायर्ड है, जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, आप पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिलेगी। टाइम होगा, सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगा, प्रोटोकॉल होगा, लेंथ होगा। अगर हम किसी एक को देखें तो इसमें प्रोटोकॉल कौन सा है, ये प्रोटोकॉल है, उसकी डेस्टिनेशन ये है और सोर्स ये है और इसका टाइमिंग जो है ये है और ये किस प्रोटोकॉल पे, किस सीक्वेंस में है, उसके पीछे के हेडर्स क्या हैं, वो डिटेल पूरी आपको इसमें प्रोवाइड करेगा या आपको ये आप इसमें देख सकते हैं।